दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारत दूसरा T20 मैच जीते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला आखिरकार लंबे इंतजार के बाद शुरू हो चुका है। भारत ने जीत लिया है टॉस। सूर्य कुमार यादव ने चुन ली है पहले बल्लेबाजी। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल ने बना दिए कितने रन। क्या चल रहा है नई प्लेइंग 11 टीम के साथ भारत का स्कोर, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम दूसरा T20 मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला सेंट जॉर्ज पार्क पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा है। और दोस्तों इस मुकाबले का इंतजार बेसब्री से भारतीय दर्शक कर रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि पहला T20 मुकाबला बारिश के चलते हो नहीं सका था और उस मैच में भारत के जीतने के आसार काफी माने जा रहे थे। लेकिन खैर टीम इंडिया की जीत तो हमें देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन दोस्तों अब आखिरकार वो समय आ ही चुका है जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को उन्हीं की सरजमी पर हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वही हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव है तो दूसरी तरफ एडन मार्करम को कप्तानी सौंपी गई है जो कि किसी भी हाल में साउथ अफ्रीका को हारता हुआ देख नहीं सकते। तो ऐसे में दो नए युवा बल्लेबाज और या यूं कहें कि कप्तानों के बीच एक अच्छी भिड़ंत देखने के लिए मिल रही है। वहीं सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम पहले से ही बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है और यहां पर जब छक्के चौके लगने की शुरुआत होती है तो शॉट सीधा हवा में उड़ते हुए ही नजर आते हैं। यहां पर किसी भी गेंदबाज को विकेट मिलना काफी मुश्किल होता है। जहां तेज गेंदबाज खूब रन लुटाते हैं तो स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इस मैदान पर अगर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन का आंकड़ा छू लिया तो भारतीय टीम को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा सामने वाली टीम के लिए। और अब ऐसे में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव यही चाहेंगे कि रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से वही साझेदारियां देखने के लिए मिले जिसके लिए कि ये जाने जाते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में तो आपको हम बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अगर आप भी लाइव अभी मुकाबला देखना चाहते हो दूसरा T20 तो आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर इस मैच का आनंद उठा सकते हो। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो हॉटस्टार ऐप पर दिखाई जा रही है जहां आप सभी यह मैच देख पाओगे लाइव हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अनेक भाषाओं में। तो वहीं बात की जाए अगर मैच के बारे में तो दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ तो कर रहे हैं लेकिन यहां पर प्लेइंग 11 टीम में सूर्य कुमार यादव ने 4 भयंकर बड़े बदलाव कर डाले हैं। इस दौरान उन्होंने ईशान किशन की वापसी करवा दी है और मोहम्मद सिराज को भी टीम में शामिल कर लिया है जिससे कि साउथ अफ्रीका की टीम पर कोई मौका रहे ना यह मैच जीत लेने का। और यहां पर रिंकू सिंह के बल्ले से शतक की आशंकाएं सभी ने लगा रखी हैं। तो वहीं आप और हम यह भी चाहेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएं। और अब आप सभी को अगर भारत की प्लेइंग 11 टीम बताएं तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ ऋतुराज गायकवाड़ को उतारने का फैसला सूर्य कुमार यादव ने किया है। तो वहीं फिर मध्यम क्रम में सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और रविंद्र जडेजा को उतारा गया है। तो वहीं फिर गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम जो कि आप सभी को खेलते हुए नजर आएगी। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम दूसरा T20 मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।